दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे ये एक नया सर्कुलर आया है जिसमें आपके लिए क्लैरिफिकेशन आई है ऑन वेरियस इश्यूज़ परटेनिंग टू जीएसटी जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं तो चलिए ये बेसिकली क्या बात करता है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इशू यानी कि कुछ रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी जिनके बाद ये क्लैरिफिकेशन से जुड़ा सर्कुलर इशू किया गया है इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई दी इशू एंड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ एकरोस ऑफ इन्फॉर्मेशन बोर्ड ने इन एक्सरसाइज ऑफ पावर बोर्ड ने अपनी पावर यूज़ किए हैं यहाँ पर सेक्शन वन सिक्सटी एट सब सेक्शन वन की और क्लैरिफाई किया है कुछ इशूज़ को तो पहला जो इशू है टेक्सीबिलिटी ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड द नेक्स्ट जो मोस्ट अवेटेड आपका इशू था इन वॉइसिंग को लेकर के वो हम डिस्कस करेंगे क्लैरिफिकेशन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इन विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी वेदर द एग्जम्पन फॉर मैंडेट्री जनरेशन ऑफ ई इन्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी जो कि इक्कीस मार्च को इशू की गई थी अभी आपके लिए इन वॉयसिंग की जो लिमिट है वो टेन करोड़ है अभी उस लिमिट के अंदर जो है चेंज नहीं किया गया है ठीक है फर्स्ट तो ये पॉइंट अब यह है कि एग्जम्पशन जो दी गई है मैंडेट्री जनरेशन से यानी कि जिनके लिए मैंडेट्री है इन्वाइस जनरेट करना वो तो करेंगे ही लेकिन जिनको एग्जम्प्ट किया गया है उसको लेकर के कुछ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है कि जो एग्जम्पन है इज़ अवेलेबल फॉर द एंटिटी एज होल क्या वो एक पर्टिकुलर एंटिटी को वो एग्जम्पन मिलेगी और वेदर द सेम इज़ अवेलेबल ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई मेड बाय द सेड एंटिटी या फिर उस एंटिटी को कुछ सप्लाईज के लिए वो इन से एग्जम्पन दी जाएगी फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यानी कि जो नोटिफिकेशन आई थी उसे एज अमेंडेड सर्टीन एंटिटीज और सेक्टर्स जिन्हें कि एग्जाम्प्ट किया गया है जनरेशन ऑफ इन वॉयस से इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट जो एग्जम्पन है फ्रॉम जनरेशन ऑफ इन वॉयस इज़ फॉर द एंटिटी एज होल यानी कि वो पूरी एंटिटी के लिए है ना कि किसी पर्टिकुलर सप्लाई के लिए फॉर एग्जाम्पल एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है मे ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सम गुड्स हो सकता है वो कुछ गुड्स सप्लाई भी कर रही हो यानी कि बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ सप्लाई कर रही हो सचस बुलियन तो सैड बैंकिंग कंपनी यानी कि बैंकिंग कंपनी एग्जमटेड है इन वॉयस जनरेट करने से जो कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्ट किया गया है फॉर ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विल नॉट बी रिक्वायर टू इशू इन रिस्पेक्ट ई इन वॉयस विद रिस्पैक्ट टू एनी सप्लाई मेड बाई इट तो यानी कि जो एग्जम्शन है वो पूरी बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई होगी ना कि किसी पर्टिकुलर सप्लाई पर तो भले ही वो बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ अदर सप्लाई भी कर रही है तो ये मैटर नहीं करेगा पूरी एंटिटी को एग्जाम्ट किया गया है